पाकिस्तान बहुत बुरी तरह फेंटी खाते हुए हार गया। यहाँ पे बड़े बच्चों की तरह मारा है ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज करके भेजा है। 6 मैच हम खेलने गए थे, 4 हार के वापिस आ रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को T20 क्रिकेट में व्हाइट वॉश कर दिया है, धो डाला है, चूना कर दिया है, रंग मार दिया है सफेद रंग। जो शाहीन के साथ किया भाई, हराओ तो हराओ, इज्जत तो ना उतरो। शाहीन 3 ओवर 43 रन, हारिस होप को जो है कवर था, जो गेंदें शेड्स में फेंकी है, एक एक बॉल उठा के शेड्स में फेंकी है, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। 11 ओवर्स में 118 का टारगेट चेस कर दिया। तोबा 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 भाई, इतनी बुरी T20 क्रिकेट, अल्लाह माफ करे, अपनी टीम है तो ज्यादा बुरा लगना शुरू हो जाता है। और शाहीन की जो दुर्गत बनी है अभी, शाहीन ने जो जिस तरीके से उसको फेंटा लगाया अभी स्टोइनिस ने, अगर कभी जब नाम आएगा स्टोइनिस का तो ये वाली चौके और ये छक्के देख लेना, हारिस लोफ को तो छत पे पहुंचा दिया। पाकिस्तान को अपनी कैपेसिटी का पता चल गया होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब जाते हैं आप तो आपको आइडिया होता है कि आप कहां पे स्टैंड करते हैं एज अ टीम। स्टोइनिस ने मार मार के भरता बना के रख दिया, शाहीन अफरीदी को भी पेला, हारिस लोफ को भी पेला, वही हारिस लोफ को मार मार के बुरा हाल कर दिया मार्कस स्टोइनिस ने। अभी तो वो छक्के के मीटर नहीं है, कितना लंबा छक्का था वो जो मार्कस स्टोइनिस ने उसको मारा। यकीन करें कि होबार्ट के स्टेडियम से बाहर चला गया बॉल। ये देखिए अल्लाह की मार है, ये इनको फिटकार है, ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना इसमें भी इससे भी बदतरीन इनको हार होनी चाहिए। मेरे हाथ में हो तो मैंने उल्टा टांग के ना, जैसे वो बनता है और वो ये जो बलोची सजी बनती है, मैं इनको उल्टा लटका के ना डंडा डाल के तो इनको उल्टा लटका के भूंदू। ये खेलेंगे मॉडर्न डे क्रिकेट। गलती एक सांस में मिलके ये बात मान लीजिए कि आप T20 क्रिकेट खेलने के जोगे ही नहीं है। You don't have the tools. क्रिकेट है यार ये। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्रिकेट प्लेयर चैनल पर। ऑस्ट्रेलिया ने आज पाकिस्तान की वाट लगा दी है और फिर से पाकिस्तान को हराकर 3-0 से ही सीरीज अपने नाम कर लिया है। और आज मार्कस स्टोइनिस ने पाकिस्तान की वाट लगा दी है, 27 बॉल में 61 रन बनाए हैं, 5 चौके 5 छक्के के साथ। और शाहीन हारिस की ऐसी हालत कर दी है कि वे कहीं अपना मुंह छुपा नहीं पा रहे हैं। और इतना मारा इन दोनों को, चौके छक्के मार मार के दोनों की वाट लगा दिया। इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया बुरी तरह से रो रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं पूरे वीडियो को और मिलते हैं वीडियो के एंड में। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को एक्सपोज करके भेजा है। 6 मैच हम खेलने गए थे, 4 हार के वापिस आ रहे हैं, आखिरी 3 मैच बुरे तरीके से हराए गए हैं हमें। 117 का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो भी उस पिच के ऊपर जहां पे 182 एवरेज टोटल है फर्स्ट इनिंग्स के अंदर। उस कंडीशन के ऊपर पाकिस्तान ने 117 का टारगेट दिया माइटी ऑस्ट्रेलिया को, और क्या किया उन्होंने, 12 ओवर के अंदर टारगेट को चेस करके चले गए। स्टोइनिस ने मार मार के भरता बना के रख दिया, शाहीन अफरीदी को भी पेला, हारिस रऊफ को भी पेला, वही हारिस रऊफ को मार मार के बुरा हाल कर दिया मार्कस स्टोइनिस ने। अभी तो वो छक्के के मीटर नहीं है, कितना लंबा छक्का था वो जो मार्कस स्टोइनिस ने उसको मारा। यकीन करें कि होबार्ट के स्टेडियम से बाहर चला गया बॉल, इतना लंबा उसने छक्का मारा है। ये कोई छोटा छक्का नहीं था, बहुत बड़ा छक्का था, इतना लंबा उसने छक्का मारा, अगर मीटर आ जाए तो पता नहीं आज कितना भी रिकॉर्ड बन जाना था। 120 130 तो कहीं नहीं गए, पकड़ के अपनी बिस्ती ये लोग खुद करवाते हैं। 119 मीटर का उसने छक्का मारा, 119 मीटर, भाई साहब इतना लंबा कौन छक्का मारता है, इतना लंबा कौन छक्का मारता है, 119 मीटर का उसने छक्का मारा है। ये काम चल रहे हैं, पकड़ के हर एक को अपडेट करके रख दिया। मार्कस स्टोइनिस ने बताया कि बड़े ड्रामेबाजी तुम लोगों ने कर ली है, रगड़ के रख दिया उसने यार, तोहीन करके रख दी, वन साइडेड विक्ट्री हासिल की है, डिस्ट्रॉय करके रख दिया पाकिस्तान की बॉलिंग को भी, पाकिस्तान की बल्लेबाजी को भी, इस स्क्वाड की धज्जियां उड़ा के रखी है ऑस्ट्रेलिया ने, एक्सपोज करके रखा है इस स्क्वाड को, जो 100 करोड़ स्क्वाड बना के भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। स्टोइनिस को भाई साहब कुछ और ही प्लानिंग थी उसकी, उसने तो हिलने नहीं दिया इनको, उसने बता दिया कि भाईजान वेलकम टू मॉडर्न डे T20 क्रिकेट, तो काम चुक दिया उसने। 27 गेंदों पर 61, 225 का स्ट्राइक रेट है, 5 छक्के 5 चौके। और शाहीन की जो दुर्गत बनी है अभी, शाहीन ने जो जिस तरीके से उसको फेंटा लगाया है अभी स्टोइनिस ने, अगर कभी जब नाम आएगा स्टोइनिस का तो ये वाली चौके और ये छक्के देख लेना, हारिस लोफ को तो छत पे पहुंचा दिया, मतलब उसकी गेंद को छक्का मार के। स्टोइनिस ने बताया कि भाईजान आप वेयर डू यू स्टैंड, और आगे IPL की ऑक्शन आ रही है, तो उसने कहा कि भाईजान मेरा नाम जब आए वहां पे टेबल पे तो वो बोली रुकनी नहीं चाहिए, 4 करोड़, दूसरा बोले 5 करोड़, इधर से 6 करोड़ 7 करोड़, तो कह रहा 8-10 करोड़ तक तो मैंने ये जो छक्के मार के अभी बता दिया कि आई एम इन फॉर्म, तो 8-10 करोड़ से नीचे तो कहानी रुकनी नहीं चाहिए। इनके जो छक्के छुड़ाए हैं इनको बता दिया कि हाउ पैथेटिक दे आर, लेकिन इनके साथ जो खिलवाड़ किया है स्टोइनिस ने या बाकियों ने, ये पूरी सीरीज की यही कहानी है। तो भाईजान यू आर नॉट गुड इनफ, आप बहुत पीछे, बहुत ही पीछे हो आप,
चाहे बॉलिंग की बात करो, चाहे आप बैटिंग की बात करो, पावर हिटिंग की बात करो, टैक्टिक्स की बात करो, गेम अवेयरनेस की बात करो, बाकी रह क्या गया, बाकी है क्या इसमें। तो उन्होंने तो सही कुटकुटापा प्रोग्राम, तो शाहीन के साथ बहुत अच्छी फैंटी लगी है, छक्का चौका छक्का फिर छक्का। तो आखिरी बॉल पे टिम डेविड ने छक्का, पहले स्टॉइनिस ने हारिस रऊफ को जनाब फेंटा फूटा लगाया, और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टी20 क्रिकेट में व्हाइट वॉश कर दिया है, धो डाला है, चूना कर दिया है, रंग मार दिया है, सफेद रंग दिया। ये क्या हुआ है? ये पाकिस्तान की आउटडेटेड टी20 क्रिकेट आज बदतरीन तरीके से उन्होंने मुकम्मल एक्सपोज कर दिया है। स्टोन एज क्रिकेट खेलेंगे, आउटडेटेड क्रिकेट खेलेंगे, बेशर्मों बेहयाओं की तरह चीजों को ग्लोरीफाई करेंगे, छुपाएंगे, अंडरमाइन करेंगे, सब ये रिजल्ट तो रोज आएंगे। यू डोंट हैव अ सिंगल मॉडर्न डे प्लेयर, नॉट अ सिंगल मॉडर्न डे प्लेयर। बाबर आजम इज अ मॉडर्न डे प्लेयर। मैं शाहीन देखे 3 ओवर में 43, ये आपका भागता हुआ, ये बगैर चोंच का बगैर परों का आपका ये वाला ईगल है, ये देखिए अल्लाह की मार है, ये इनको फिटकार है, ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं ना इसमें भी इससे भी बदतरीन इनको हार होनी चाहिए। मेरे हाथ में हो तो मैंने उल्टा टांग के ना, जैसे वो बनता है और वो ये जो बलोची सज्जी बनती है, मैं इनको उल्टा लटका के ना डंडा डाल के तो इनको उल्टा लटका के भून दूं। ये खेलेंगे मॉडर्न डे क्रिकेट। 67 कौन कर गया? स्टॉनिस 5 छक्के। ये होती है क्रिकेट, कितनी बार ये 27 बॉल है, ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। और एक हम है पावर प्ले 58 रन, ऑस्ट्रेलिया का पावर प्ले आपसे कम था। इतनी बेइज्जती कराने से तो कहीं ना मुंह जाके गटर में डालो और अपना मुंह छुपाओ, बेशर्मा बेहयाओ। और ये जो तुमने लाया ना आकिब जावेद नाम का, और इसको जो ग्लोरीफाई 2-4 महल के बच्चे कर रहे हैं, वो याद रखना अब आएगा मजा। अब यह पूरा जोकर्स रखे हुए हैं, सारे जोकर जो है ना वो क्रिकेट टीम चला रहे हैं, क्रिकेट चला रहे हैं। अबे तुम जाओ किसी ऑफिस में अर्दली लगो, क्लर्क लगो, तुम्हारा क्या काम है क्रिकेट खिलाने और खेलने से? स्टॉनिस के मुकाबले का कौन बैट्समैन है आपके पास? मैक्सवेल के मुकाबले कौन है? इंग्लिश के मुकाबले का कौन है? मुझे ये बताएं ऊपर फ्रेजर के मुकाबले का कौन है? कोई प्लेयर आपके पास? इनके बॉलर्स का मुकाबला नहीं है आपके बैट्समैन के साथ। इनके बॉलर्स हार्डी जो है ना वो ज्यादा लंबे छक्के लगाता है, कौन है आपका? एक छक्का मारने वाली टीम है आपकी। पाकिस्तान 3-0 से क्लीन स्वीप हो चुका है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लेकिन टी20 में टोटली जो उन्होंने हमें आउट क्लास कर दिया। इवन उनकी मेन टीम नहीं खेल रही थी, अभी उनकी जो है बी टीम जो है वो खेल रही थी, और बी टीम खेलने के बावजूद हम जो बिल्कुल ऐसे लगा कि बुरे तरीके से हम जो एक्सपोज हो गए। ना हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो बैटिंग कर सकी, और ना ही हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है टी20 में वो खास बॉलिंग कर सकी, स्पेशली आखिरी टी20 में। तो हेमट करके रख दिया आपको स्टोनिस ने, हारिस रऊफ को तो क्या उसने तोड़ा, 2 छक्के 2 चौके, वो ग्राउंडों की छतों पर जो बॉलें फेंकना शुरू हो गया था, क्या ही कमाल किस्म का जो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3-0 से जो है शिकस्त दे दी है। ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तान जो है वो कुछ ना कुछ इस टी20 सीरीज में कर लेगा, बड़ा हॉट फेवरेट था पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया को हरा कर ओडीआई सीरीज आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। इतना तेज भी खेलना और फिर जो है इनकी बॉलिंग को भी फेस करना, बहुत ही पुअर किस्म की जो है पाकिस्तान की तरफ से पहले जो है बैटिंग देखने को मिली है, फिर बॉलिंग में भी आज कोई कुछ नहीं कर। जो शाहीन के साथ किया भाई, हराओ तो हराओ, इज्जत तो ना उतरो। शाहीन 3 ओवर 43 रन, हारिस रऊफ को जो है कवर था, जो गेंदें शेड्स में फेंकी है, एक एक बॉल उठा के शेड्स में फेंकी है, बिल्कुल तहस नहस कर दिया। 11 ओवर्स में 118 का टारगेट चेस कर दिया। तोबा 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 भाई, इतनी बुरी टी20 क्रिकेट, अल्लाह माफ करे अपनी टीम है तो ज्यादा बुरा लगना शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन बनाए पावर प्ले में, ठीक है, कितने रन बनाए? 43। पाकिस्तान ने कितने बनाए थे? 58। पाकिस्तान ने पावर प्ले के बाद क्या किया, इंक्लूडिंग बाबर आजम, उसके बाद 117 रन, वो तकरीबन 59 रन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, हाउ डेयर ऑस्ट्रेलिया, मतलब बाबर आजम से तुम लोग नीचे ही रहोगे ना, तुम्हारे पास कौन सा बड़ा नाम, नंबर 1 टी20 बैटर है भाई। तो पाकिस्तान ने बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 43 रन। हकीकत वही है, आप टी20 क्रिकेट खेल ही नहीं सकते, आपके पास एक्सपर्टीज ही नहीं है टी20 क्रिकेट खेलने की, चाहे बैटिंग की बात करें आप, बॉलिंग की बात करें, किसी दिन बॉलिंग चल जाती है तो किसी दिन बैटिंग नहीं चलती, किसी दिन बैटिंग चल जाती है तो किसी दिन बॉलिंग नहीं चलती। हम ना किसी चीज के आसरे में रहते हैं। पाकिस्तान व्हाइट वॉश हो गया टी20 क्रिकेट के अंदर, इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि शायद हमें समझना है? क्योंकि आप इतना पीछे लैग बिहाइंड कर चुके हो, आपके टी20 डिबैकल्स और डिजास्टर का इतना बैकलॉग जमा हो चुका है कि आप टी20 क्रिकेट में दुनिया के सामने स्टैंड ही नहीं करते। उस्मान खान ने आके आंखें बंद करके बल्ला किधर, सर किधर, जिस्म किधर, टांगे किधर, एक्सटेंशन ऑफ आर्म किधर, बॉल किधर, बॉल की लेंथ किधर, बॉल की लाइन किधर और शॉट किधर, गलती एक सांस में मिलके ये बात मान लीजिए कि आप टी20 क्रिकेट खेलने के जोगे ही नहीं है। You don't have the tools. That cricket है यार ये। दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया तीसरे टी20 मैच में हारने के बाद रो रहा है, और ये पता था पाकिस्तान को कि हमारी ताकत नहीं है टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच खेलने की। लेकिन ये जब भी ऑस्ट्रेलिया में टी20 क्रिकेट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया इनको कुत्ते की तरह हराता है, और आज वैसा ही देखने को मिला। जब ये ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 सीरीज हुई, ओडीआई में तो ये जीत गए, लकी थे, लेकिन जब टी20 की बारी आई,
आई तो ऑस्ट्रेलिया के बच्चे बच्चे भी इनकी वाट लगाने लगे और कुत्ते की तरह इनको हराया, जो बहुत ही मजा आया सबको। ये जो अकड़ रहे थे कि हम बड़े टीम बन गए हैं ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई हरा कर, लेकिन टी20 में ये खुद ही हार कर अपनी औकात बता दिया है। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।